नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान डिस्क के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को इसी चैनल पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि थायराइड कितने प्रकार का होता है, लेकिन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा थायराइड बीमारी है क्या, किसको होती है, क्या कारण है, कैसे पता करें मुझे थायराइड बीमारी है या नहीं। यह वीडियो काफ़ी मेहनत और रिसर्च के बाद बनाई गई है, कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की वीडियो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं थायराइड है क्या। दोस्तों, हमारे शरीर में एक थायराइड ग्लैंड होती है। यह थायराइड ग्लैंड ट्राईआइडोथायरोनिन थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, मतलब दो हार्मोन्स को रिलीज करती है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में काफ़ी अहम योगदान करते हैं। अब जानते हैं थायराइड के प्रकार। थायराइड दो प्रकार का होता है, नंबर एक होता है हाइपरथायराइड, नंबर दो होता है हाइपोथायराइड। अब सबसे पहले हम हाइपरथायरोडिज्म के बारे में बात करते हैं। हाइपरथायरोडिज्म आसान भाषा में कहूँ तो हाइपरथायराइड, इसमें शरीर की जो ऊर्जा होती है उसको शरीर ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने लगता है। और आपको बता दूं, आप शायद ये लोग कम जानते होंगे कि दो तरह का जो थायराइड होता है, एक तो पतला करता है, एक किसी इंसान को मोटा करता है। तो जो पतला करता है वो हाइपरथायराइड होता है, और जो मोटा करता है वो हाइपोथायराइड होता है। तो आप जानते हैं सबसे पहले हाइपरथायराइड के बारे में, इसकी क्या परेशानियाँ होती हैं, इसकी कैसे पहचान करें कि हमें हाइपरथायराइड हो गया है। नंबर एक, घबराहट होने लगती है। नंबर दो, चिड़चिड़ापन होने लगता है, हाथों का कांपना। नंबर चार, बालों का पतला होना। नंबर पाँच, अधिक पसीना आना। नंबर छः, अनिद्रा, मतलब नींद कभी ज़्यादा आना तो कभी कम। नंबर सात, मांसपेशियों में कमजोरी तथा दर्द रहना। नंबर आठ, दिल की धड़कड़ बढ़ना। और दोस्तों, नंबर नौ पर है बहुत भूख लगना फिर भी वजन घटते रहना, मतलब हम खाना तो अच्छी तरीके से खा रहे हैं लेकिन वजन बहुत कम होता है। नंबर दस, महिलाओं के मासिक धर्म में अनियमितता होना, मतलब ठीक से नहीं आना। अभी हमने जाना है हाइपरथायराइड के बारे में, अब जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। दोस्तों, इसको आसान भाषा में कहूँ तो हाइपोथायराइड, इसमें क्या लक्षण होते हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं, आइए जानते हैं। हमेशा थके से रहना नंबर एक, और नंबर दो है डिप्रेशन में रहना, मतलब हर समय टेंशन से बने रहना। और नंबर तीन है वजन बढ़ना। नंबर चार, नाखूनों का पतला होना या फिर टूटते रहना। नंबर पाँच, कब्ज बनी रहना। और नंबर छः है बालों का अधिक झड़ना। नंबर सात है आँखों में सूजन। नंबर आठ, बार बार भूलना। और नंबर नौ, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होना। और नंबर दस है महिलाओं में इसके कारण बांझपन हो सकता है। दोस्तों, अगर किसी को संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है या फिर कुछ ऐसी समस्याएँ होती हैं तो यह थायराइड की भी निशानी हो सकती है। अब आपको दोस्तों बताते हैं थायराइड बीमारी होती क्यों है। थायराइड बीमारी होने के मुख्यतः यही कारण हैं। नंबर एक, अधिक तनावपूर्ण जीवन जीना। नंबर दो, यह रोग अनुवांशिक भी हो सकता है। यदि किसी के परिवार में यह बीमारी है तो चांस है कि आने वाली पीढ़ी को भी यह बीमारी हो सकती है। नंबर तीन, भोजन में सोया उत्पादों का अधिक इस्तेमाल करना। नंबर चार, थायराइड ग्रंथि में सूजन होना। नंबर पाँच, आयोडीन की कमी, मतलब आहार में आयोडीन की मात्रा आप कम ले रहे हैं तो इससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक भी इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर छः, विटामिन B12 की कमी होना। अब आपको बताता हूँ कि थायराइड ना हो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए। नंबर एक है, अगर आप थायराइड से बचना चाहते हैं तो कम वसा वाले भोजन का सेवन करें। नंबर दो, ज़्यादा से ज़्यादा फल एवं सब्जियों का भोजन में शामिल करना। नंबर तीन, नट्स जैसे बादाम, काजू, किशमिश आदि का सेवन भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। नंबर चार है, पत्ते वाली सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें। नंबर पाँच, आयोडीन युक्त आहार का प्रयोग ज़्यादा करें। और दोस्तों, अगर थायराइड से बचना चाहते हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज और व्यायाम भी कर सकते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा करते रहें, क्योंकि कोई भी रोग आप सभी जानते हैं कि होता है तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण ही होता है। तो दोस्तों, इस तरह अब आप समझ गए होंगे कि कैसे थायराइड होता है, किसको होता है और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अब दोस्तों, एक काम आप लोगों को करना है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।